हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉटनिकल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड एक और टॉपिक, जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या होती है? इस बहुत सिंपल चीज़ है ये, आप इस वीडियो के अंत तक देखिए ये वीडियो और आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है ये, ठीक है, लगता है आपको कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी है, इसके बिहाइंड जो आइडिया है वो क्या है। ठीक, तो आइडिया क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का मीनिंग क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हेन देयर आर मल्टीपल नेम्स फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, अभी मान लीजिए आप एक समझ लीजिए किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसे हम बॉटनी के स्टूडेंट हैं, तो मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे एक प्लांट बना देता हूँ। ठीक, तो आपको पता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब प्लांट्स का नाम रखने की शुरुआत हुई। मैंने आपको बताया था क्यों साइंटिफिक नेम्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे कॉमन नेम, एक ही प्लांट के बहुत सारे कॉमन नेम होते थे, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के होते थे, और बहुत सारे कॉमन नेम अलग अलग प्लांट के सेम ही होते थे। इन सारे वजहों से आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर आया। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या था कि किसी एक प्लांट का नाम, जैसे मान लीजिए मैंने मान लो रोज़ का प्लांट बनाया हो, तो वो कौन सा होगा, रोज़ा इंडिका होगा। ठीक है, तो मतलब एक प्लांट का नाम दो अक्षर वाला होगा। पहले को हम क्या बोलते थे, ये जीनस हो गया इसका, और दूसरा वाला क्या हो गया, ये इसका स्पीशीज हो गया। ठीक है, रोजा का कौन सा स्पीशीज, इंडिका, ये चीजें थी। पर किसी प्लांट का नाम रखना स्टार्ट किसी ने तो करा होगा, और ऐसा हिस्ट्री में बहुत बार रहा है कि आप देखोगे किसी ने किसी प्लांट का नाम तो रखा, फिर मान लो पहले से उतना कनेक्टिविटी थी नहीं, तो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में किसी और एक ही प्लांट, उसी प्लांट का नाम किसी और ने कुछ और रख दिया, अमेरिका में किसी और रख दिया, यूरोप में किसी और ने उधर रख दिया, ऐसे से एक ही प्लांट के कई सारे जो है नाम हो गए। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल नेम का। तो एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर में एक नाम रखा गया, वो हर एक प्लांट का एक ही नहीं रखा गया, मल्टीपल नेम्स रखे गए। मल्टीपल नेम्स में सही वाले भी नेम थे, और कुछ मल्टीपल नेम्स इसलिए भी पड़े क्योंकि ICN जो आपका है, ICN के अकॉर्डिंग नाम आपको रखना पड़ेगा, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, उसके अगर आप हिसाब से नाम नहीं रखते हो तब आपका नाम वैलिड नहीं माना जाता है। तो ठीक है, तो एक प्लांट के कई सारे नाम होने के कई सारे मतलब होते हैं। एक तो कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे उसका नाम रखा, उनको पता नहीं था कि हाँ इसका नाम रखा जा चुका है। सेकेंड, जो नाम रखा गया वो ICN के अकॉर्डिंग सही नहीं था, तो इसीलिए क्या हो गया, मैंने आपको पहली चीज बताई, व्हेन देयर आर मल्टीपल नेम्स फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द नेम दैट वॉज पब्लिश्ड फर्स्ट शुड बी यूज्ड। तो अभी आपको ये पढ़ के क्या लगा कि अगर किसी प्लांट का मान लो चार पांच नाम रखा है, और मान लो रोजा इंडिका किसी ने 1917 में रखा होगा, फिर किसी ने 1928 में इसी का कुछ एक्स नाम रखा होगा, वाई नाम इसका रखा गया होगा 1938 में, जेड नाम रखा गया होगा 1940 में, तो इस डिफिनेशन के अनुसार आपको क्या पता चलता है कि जो सबसे पहले नाम रखा जाएगा हम उसी नाम को मानेंगे। सही तरीके से सबसे सिंपलेस्ट डिफिनेशन इसका यही है प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन की, कि जब एक प्लांट का बहुत सारे नाम हो तब हम जो भी नाम सबसे पहले पब्लिश किया गया होगा उसी नाम को हम यूज करेंगे, उसी नाम से हम किसी प्लांट का नाम जो भी हम बुलाते हैं वो उसी के बेसिस पर रखा जाएगा, चाहे उसके जितने नाम रखे गए थे पिछले हिस्ट्री में। ठीक, अब एक चीज ये भी है कि ये जो रूल है ये फैमिली जो है, फैमिली लेवल या उसके नीचे के रैंक पे ये वो करता है, उसके ऊपर नहीं, ऑर्डर ऑफ क्लासेस के लिए ये रूल्स नहीं है। ठीक है, ये जो है फैमिली रैंक के नीचे अप्लाई होता है रूल, तो अबो जो रैंक है फैमिली के, प्रायोरिटी वहां पे अप्लाई नहीं होती है। अब द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी फॉर वैस्कुलर प्लांट, अगर आपसे पूछे कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है इसका स्टार्टिंग डेट क्या है, ये कब से माना जाता है, कोई ना कोई हिस्ट्री में डेट तो रहा होगा कब से ये आया, तो ये जो है आपका लिनियस का क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था, वहां बताया था 1753 में उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था स्पीसीज प्लांटरम, जिसमें उन्होंने ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, क्योंकि उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर उसमें दिया था, और अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर ही आज हम लोग फॉलो करते हैं, तो उन्हीं का ये पब्लिकेशन डेट है जो स्पीसीज प्लांटरम 1 मई 1753, उसी को हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का भी। ठीक है,
ये सारी कहानी हो गई। अब दूसरे चीज पे आते हैं। When it comes to priority of publication in taxonomy, not all names are considered equal. मैंने कहा ये मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, इसका X नाम है, वाई नाम है, जेड नाम है, ए नाम है और एक आगे रख लो बी नाम है। तो सभी नाम जो है उनको ऐसा नहीं है कि ये 1917 में पब्लिश हुआ हो, ये 1920 में पब्लिश हुआ हो, ये 1960 में पब्लिश हुआ हो, ये 2003 में पब्लिश हुआ हो, ऐसे ऐसे सारे का कर लो। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जो पहले पब्लिश हुआ हो उसी को हम रखेंगे। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट है आपको वो करना पड़ेगा, लेजिटिमेट और दूसरा इललीजिटिमेट का कॉन्सेप्ट आता है। अब मैंने कहा किसी एक प्लांट के कई सारे नाम हो सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी और अलग अलग ईयर में हो सकते थे, तो मैंने पहले डिफिनेशन में आपको बताया कि जो सबसे पहले पब्लिश होगा उसी को हम ले लेंगे। लेकिन ऐसी भी बात नहीं होती हमेशा, पहले जितने भी नाम पब्लिश हुए हैं किसी प्लांट का, हम ये देखेंगे कि वो इललीजिटिमेट हैं या इललीजिटिमेट। अब देखो अब इनका क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया सम नेम्स आर लेजिटिमेट वाइल अदर्स आर इलिजिटिमेट, इसका क्या मतलब हो गया। अब इसका डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है, अ लेजिटिमेट नेम इज वन दैट हैज बीन पब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट आईसीएन, आईसीएन के रूल्स के हिसाब से। अब जो भी ये चार पांच नाम रखा होगा इस प्लांट का, हो सकता है कि आईसीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ नाम रखे गए हों और कुछ नाम आईसीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग ना रखे गए हों। तो ऐसे नाम जो आईसीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग रखे होंगे उनको हम लेजिटिमेट नाम बोलते हैं, लेजिटिमेट नेम्स बोलते हैं। और ऐसे नाम, एन इलेजिटिमेट नेम ऑन द अदर हैंड इज द वन दैट हैज नॉट बीन पब्लिश अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ द आईसीएन, ठीक। तो इलेजिटिमेट नेम्स कौन से हैं जो आईसीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर हमें ये देखना है किसी प्लांट का, अगर 7-8 नाम दिया गया होगा उनमें से कौन सा नेम चूज करना है, तो हम सबसे पहले इललीजिटिमेट जो नेम्स हैं उनको बाहर निकाल देंगे, चाहे वो पहले ही ईयर में सबसे पहले ही क्यों ना पब्लिश हो, लेकिन आप उन्हें बाहर निकाल देंगे क्योंकि वो आईसीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमें किस में देखना है कि कौन ईयर सबसे पहले आया हो, किस में से लेजिटिमेट जो नेम्स हमारे बचे उनमें देखना है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हेन इट कम्स टू द प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन ओनली लेजिटिमेट नेम्स आर कंसीडर्ड, इलेजिटिमेट नेम्स आर नॉट कंसीडर्ड इन डिटरमिनिंग द करेक्ट नेम फॉर अ टैक्सोन, ठीक है। ये कहानी हो गई, एग्जाम्पल अब देख लीजिए। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक जीनस है एस्कुलस, इसको लिनियस ने पब्लिश करा था स्पीसीज पैंटरम में 1753 में। बाद में ऐसे ही पैविया जीनस रखा गया, मिल कोई साइंटिस्ट है, इन्होंने 1754 में। ऐसे ही मैक्रोथायरस करके स्पाच ने बनाया 1834 में। फिर कैलोथाइसिस हो गया, स्पैच ने बनाया 1834 में। ये जो है एक ही जीनस के सारे नाम हैं, लेकिन करेक्ट नेम कौन सा होगा, एस्कुलस। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले 1753 में पब्लिश किया गया था और सारे जीनस हैं। यहाँ पे लेजिटिमेट इलेजिटिमेट का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता, मतलब सारे के सारे ठीक नाम हैं। तो हम यहाँ पे सबको कंसीडर करेंगे, उस सब में से कौन सा सबसे पहला, जो सबसे पहले पब्लिश हुआ, एक हो गया। दूसरा मैं आपको बताऊं, सब टोमेटो आप जानते हैं, टमाटर आप सबने खाया होगा। टमाटर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। लेकिन इस टमाटर को हमेशा से सोलेनम लाइकोपर्सिकम नहीं बोला जाता था। क्यों? टोमेटो का जो सबसे पहला नाम दिया गया था वो कैरोलस लिनियस ने अपने स्पीसीज प्लांटेरम में जो 1753 में पब्लिश हुआ था, इसको सोलेनम लाइकोपर्सिकम बोला था। लेकिन एक फिलिप मिलर करके जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसी प्लांट का नाम उन्होंने अपने बुक में 1754 में लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम रख दिया। जैसे आज ही आप में से कई लोग जानते होंगे कि टमाटर को लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम बोला जाता है, पर ऐसा नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। तो अभी आप देखोगे कि दोनों नाम तो एक ही प्लांट के नाम है, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे, जो पहले पब्लिश हुआ हो। और दोनों के दोनों नेम क्या थे, लेजिटिमेट नेम्स हैं। तो दोनों में से कौन सा हम चूज करेंगे, जो पहले पब्लिश हुआ हो। अब एक और एग्जांपल, सॉरी यहीं पे इसका कंटिन्यूस है कि लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम जस्ट एक ही साल बाद पब्लिश किया गया, पर ये क्या हुआ कि आईसीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग, एक्चुअली सॉरी यहाँ पे ये नाम जो है आईसीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं पब्लिश था, इसलिए इसको इलेजिटिमेट मान लिया गया। फिर भी अगर ये इलेजिटिमेट भी होता
पर क्योंकि ये बाद में छपा था तो वो नाम माना भी नहीं जाता, इसीलिए आज हमारा उस प्लांट का क्या नाम है, क्या है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। इसके अलावा इनके अलावा एक और साइंटिस्ट थे जॉन जॉर्ज सिजबेक, इन्होंने टोमेटो का एक और नाम रखा था सोलेनम लाइकोपर्सिकोइडिस, लेकिन ये जो है इसको सोलेनम लाइकोपर्सिकम का सिनोनिम नेम बोला जाता है क्योंकि ये उसी स्पीसीज का नाम रखा गया था और बाद में पब्लिश हुआ था 1768 में। तो ये हुआ कि भाई उसी प्लांट का नाम है ये और ये बाद में पब्लिश हुआ तो हमें लिनियस का मानना था तो ये नाम सिनोनिम हो गए। ठीक, तो ऐसे सारे नाम मैंने क्या बताया, एक प्लांट है उसके ए बी सी डी ई एफ कई सारे नाम हो सकते हैं, हम उनमें से सबसे पहले किसको निकालेंगे जो एल लिजिटिमेट हो उनको बाहर कर देंगे, फिर हम देखेंगे लिजिटिमेट जो नेम्स हैं उनमें फर्स्ट पब्लिश्ड कौन से हैं। अब जो फर्स्ट पब्लिश्ड है, मान लो ए वाला फर्स्ट पब्लिश है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट नेम हो जाएगा, और बाकी के जो बी सी डी बचे ये क्या हो गए और ई एफ क्या हो गए, ये सारे के सारे कहलाएंगे सिनोनिम्स। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आपने चार चीजें सीखी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, इलेजिटिमेट किसको कहते हैं, लेजिटिमेट नेम्स किसको बोलते हैं, और सिनोनिम। सिनोनिम पूछा जाए तो आप यही एग्जाम्पल देके बता दीजिएगा सिनोनिम क्या होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, निम्फिया जैसे आप जानते हो निम्फिया वाटर लिली होता है, वाटर लिली जो प्लांट है इसका नाम निम्फिया नौचलाई रखा था बर्म एफ ने 1768 में, बाद में 1824 में निम्फिया एक्यूटी लोबा रखा गया डीकंडोले द्वारा, फिर इसी प्लांट को 1799 में इससे पहले ही का ईयर निम्फिया स्टिलाटा रखा गया वाइल्ड के द्वारा, और एन मालाबारिका निम्फिया मालाबारिका रखा गया पॉयल के द्वारा 1798 में। अब इनमें से हम क्या देखेंगे कि सारे के सारे नाम लेजिटिमेट हैं, और अब इनमें से हम देखेंगे कौन सबसे पहले डेट है। तो सबसे पहला आप क्या लिखोगे 1768, उसके बाद 1700 आता है 98, 1799 फिर आता है आपका 1824 वाला। 68 में इसको क्या बोला गया, निम्फिया नौचलाई, 98 में इसको क्या बोला गया था, निम्फिया मालाबारिका, 99 में इसको क्या बोला गया, निम्फिया स्टिलाटा, 1824 में डी कंडोले ने इसका क्या नाम रखा था, निम्फिया अक्यूटी लोबा। तो इतने सारे नाम है, अंडरलाइन करना आप कभी मत भूलिएगा साइंटिफिक नेम्स को। तब आपने क्या देखा, ये वाला हो गया इसका एक्सेप्टेड नेम, मतलब ये नाम इसका करेक्ट है। तो आप हमेशा से वाटर लिली को क्या बोलेंगे, निम्फिया नौचलाई। ये वाले नाम क्या हो गए अब, सिनोनिम्स। तो ये था प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी। ठीक, ये सारा कॉन्सेप्ट होप कि आपको समझ में आया होगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक और रूल है जो इससे ही एसोसिएटेड है, कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी है सेम रैंक पे काम करती है। जैसा कि मैं आपको अगर बताऊं, मान लो किसी बॉटनिस्ट को एक नया स्पीशीज मिला, एक नया प्लांट मिला, उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, मैग्नोलिया ग्रैंडीफ्लोरा, किस ईयर में, 1759 में। ऐसे एक और साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने इसी सेम प्लांट का नाम क्या रख दिया मैग्नोलिया वर्जीनियाना वेराइटी फोइटिडा, 1753 में पहले ही रखा था। ठीक, क्या रखा था, However, another botanist had previously published a description of same species but gave it a different name. उसी स्पीसीज को जो कि 1759 में मैग्नोलिया ग्रैंडीफोलिया रखा गया, उसी का नाम 1753 में किसी ने मैग्नोलिया वर्जीनियाना वार फोइटिडा रखा था। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी पब्लिकेशन करेक्ट नाम इसका क्या होगा, मैग्नोलिया ग्रैंडीफ्लोरा होगा, क्योंकि ये नाम पहले पब्लिश हुआ था और एक लेजिटिमेट नेम है। हालांकि जो आपका मैग्नोलिया वर्जीनियाना वार फ्लोरिडा है ये सबसे पहले ही पब्लिश हुआ था 1753 में, लेकिन ये एक वैरायटी नाम है। ठीक, वार लिखा है ना, तो ये वैरायटी का नेम, मतलब रैंक बदल गया, ये वैरायटी लेवल का, ये कौन सा है, ये स्पीशीज लेवल का है। तो ये जो है कम्पीट नहीं कर सकता स्पीशीज के लेवल के नेम को, इसीलिए मैग्नोलिया ग्रैंडीफ्लोरा को प्रायोरिटी मिलती है मैग्नोलिया वर्जीनियाना वार फ्लोरिडा के ऊपर। दैट मीन्स जिन्होंने इसका नाम 1753 में पब्लिश किया था उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने स्पीशीज नहीं बनाया था, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया ये तो मैग्नोलिया वर्जीनियाना ही है और वर्जीनिया का एक वैरायटी ऑफ फोइटिडा। तो भले ही 1753 में किया था, लेकिन 1759 में एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने उसी प्लांट को स्पीशीज का बोला ये एक दूसरा स्पीशीज है। तो
अब ऐसा नहीं है आप इसको मैग्नोलिया वर्जियाना ही बोलेंगे, नहीं, क्योंकि वो तो दूसरे स्पीशीज का वैरायटी उन्होंने बनाया था ना, इन्होंने उसको दूसरा स्पीशीज ही दिया, तो ये नाम करेक्ट है क्योंकि वो वैरायटी है ही नहीं उसका, वो ये पता चला वो स्पीशीज ही है। तो स्पीशीज का रैंक किसने पब्लिश करा था, वो 1759 में पब्लिश करा गया था, इसीलिए इसका नाम स्पीशीज अगर करेक्ट होगा तो इसका नाम मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा ही होगा, ये नहीं होगा। ठीक, तो मैग्नोलिया वर्जिनाना एक प्लांट है, उसका जिसने भी वैरायटी बनाया होगा वो एक्चुअली उसका वैरायटी नहीं, उस स्पीशीज के अंदर आता ही नहीं, ये दूसरा स्पीशीज है, तो स्पीशीज लेवल पे उनकी प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक, तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, जहाँ पे मैंने क्या बताया कि एक प्लांट के कई सारे नाम हो सकते हैं, हम उनमें से पहले सिंपली क्या करते हैं, जो सबसे पहले पब्लिश होगा उसको उठाते हैं। पर इसमें एक और कहानी है कि प्लांट का कई सारे नाम हो सकते हैं, ABCDEFG, उसमें से लेजिटमेट और इलेजिटमेट का कॉन्सेप्ट आता है, हम पहले इलेजिटमेट को आउट कर देते हैं क्योंकि वो ICN के अकॉर्डिंग पब्लिश ही नहीं होते, हम लेते हैं लेजिटमेट नेम्स को, और लेजिटमेट नेम्स में भी एक को हम एक्सेप्टेड मानते हैं और बाकी जो बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। तो ये सब कहानी थी, मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया ABC करके, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो है प्रायोरिटी जो है ये एक ही लेवल पे वो करता है, स्पीशीज लेवल पे, तो स्पीशीज लेवल को कम्पीट करेगा, एक रैंक से दूसरे रैंक के लिए ये कम्पीट नहीं करता है। ठीक, ये है रेफरेंसेस। अगर आपको पढ़ना हो टैक्सोनॉमी के लिए अच्छी बुक, तो गुरुचरण सिंह का है प्लांट सिस्टमैटिक नेम से, और फिर ये जो है द कोड डिकोडेड, इसमें सारा नॉमेनक्लेचर के रूल्स वगैरह हैं। सिम्पसन का बुक बहुत अच्छा है प्लांट सिस्टमैटिक, इनका भी नाम है, विकिपीडिया से कुछ कंटेंट हैं मैंने इसमें डाले, पोवो करके वेबसाइट है वो, और IAPET इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी का है, इसी पे आपको ये ICN का बुक भी मिल जाएगा। तो ये सारे अच्छे हैं इन्फॉर्मेशन, और होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए आप मास्टर्स ऑफ बॉटनी, जहाँ मैं प्लांट्स से रिलेटेड बहुत चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।